हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूं क्लास सेवन्थ एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 10, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो ये चैप्टर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करवा चुकी हूं। आज मैं इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कराऊंगी और कीवर्ड्स कराऊंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट द कीवर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। फूड का ब्रेकडाउन होता है सेल्स के अंदर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज होती है फूड का ब्रेकडाउन होने से, तो इसको बोलेंगे हम सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और फूड लिख सकते हैं यहाँ पे, या ग्लूकोज लिख सकते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का यूज होता है और ऑक्सीजन का यूज होके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। एरोबिक का अपोजिट है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसके अंदर ऑक्सीजन का यूज नहीं होता। यीस्ट इज यूज टू मेक वाइन एंड बियर। यीस्ट एक एनारोब है और ये वाइन और बियर बनाने में इसका यूज होता है। टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर इज इनहेलेशन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग रेट नॉर्मली कितनी होती है, 15 to 18 पर मिनट, बट ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ब्रीदिंग रेट बिकम्स फास्ट अबाउट 25 टाइम्स पर मिनट। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड रिबकेज। एक्सहेलेशन और इनहेलेशन जो प्रोसेसेस होते हैं ब्रीदिंग के अंदर, उसमें हमारी डायफ्राम और रिबकेज की मूवमेंट होती है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग आवर लंग्स एक्सपेंड एंड कम्स बैक टू ओरिजिनल स्टेट एज एयर मूव्स आउट ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। काउज, बफेलोज, डॉग, कैट, बर्ड्स, दे हैव लंग्स सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स। तो रेस्पिरेशन उनके अंदर सेम होता है जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है। अब हम करेंगे अदर ऑर्गेनिजम्स में। एग्जाम्पल अर्थवर्म, इसके अंदर रेस्पिरेशन होता है थ्रू मॉइस्ट स्किन। कॉकरोच, आंट, स्पाइडर, ये इंसेक्ट्स हैं, इनके अंदर रेस्पिरेशन होता है ट्रैकिया से। फिशेस के अंदर रेस्पिरेशन गिल्स से होता है। प्लांट्स आल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल, और प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है। रूट्स टेक एयर फ्रॉम द सॉयल एंड लीव्स बाय स्टोमेटा। तो ये हो गए हमारे कीवर्ड्स। अब हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट है, Why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? रेस फिनिश करने के बाद एथलीट बहुत ही तेज और गहरा सांस लेता है, गहरी सांस लेता है, क्यों लेता है? During race, athlete needs a lot of energy. रेस के दौरान एथलीट को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। After completing the race, रेस कंप्लीट करने के बाद एथलीट breathes फास्टर एंड डीपर। एथलीट बहुत ही गहरा और तेज सांस लेता है टू इनहेल मोर ऑक्सीजन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उसकी बॉडी में जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी तो क्या होगा, इट स्पीड्स अप ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड ही गेट्स मोर एनर्जी। तो इससे क्या होगा, अगर ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगी तो इससे जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है उस वो ज़्यादा होगा, स्पीड बढ़ जाएगी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की, एंड ही गेट्स मोर एनर्जी, और उसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। अब हम करेंगे इसका सेकेंड क्वेश्चन। What are the similarities
एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हमें पहले सिमिलैरिटीज़ बतानी है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, उसके बाद हम डिफरेंसेस बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन बोथ द प्रोसेसेस ब्रेक डाउन ऑफ फूड और ग्लूकोज, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। दोनों प्रोसेसेस में वेदर इट इज़ एरोबिक और एनारोबिक, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। ये सिमिलैरिटी है। अब हम करेंगे डिफरेंसेस। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन इज यूज्ड हियर। ब्रेक डाउन तो होता है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे यूज नहीं होती। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में, इसमें एल्कोहल बनता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, जो कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, तो इट गिव्स मोर एनर्जी टू द बॉडी। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन जो फूड का होता है वो कम्प्लीटली नहीं होता, पार्शियल ब्रेक डाउन होता है, तो इससे बॉडी को कम एनर्जी मिलती है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। वाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल ए लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। जब हम धूल भरी हवा में सांस लेते हैं तो हम छींकते क्यों हैं। व्हेन वी इनहेल डस्ट लेडन एयर दे कैन इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द नेजल कैविटी। जब हम धूल भरी हवा में सांस लेते हैं तो इससे हमारी नेजल कैविटी की लाइनिंग में इरिटेशन पैदा होती है। एज ए रिजल्ट वी स्नीज, और इसकी वजह से हमें छींक आती है, और छींक से क्या होता है डस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव्ड, डस्ट पार्टिकल हमारे रिमूव हो जाते हैं नोस्ट्रिल से, नेजल कैविटी से। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर। टेक थ्री टेस्ट ट्यूब, फिल 3/4 ऑफ ईच विद वाटर। हमारे पास तीन टेस्ट ट्यूब हैं ए बी और सी, हमें 3/4 उनको पानी से भरना है। अब हमें क्या करना है, जो टेस्ट ट्यूब ए है उसके अंदर हमने क्या रखा है, स्नेल को रखा है। टेस्ट ट्यूब बी है इसके अंदर हमने एक छोटा सा प्लांट रखा है, लेकिन जो टेस्ट ट्यूब सी है इसके अंदर हमने प्लांट को भी रखा है और स्नेल को भी रखा है। और हमारा क्वेश्चन क्या है, विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा क्वेश्चन है कि किस टेस्ट ट्यूब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी। टेस्ट ट्यूब ए के अंदर क्या होगा, जो स्नेल है वो रेस्पिरेशन तो होगा स्नेल के अंदर, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो स्नेल क्या करता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर क्या है, जो प्लांट है, जो जितने भी इसमें वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज़ कर लेता है प्लांट, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करनी होती है, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है, तो प्लांट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेता है। लेकिन टेस्ट ट्यूब सी के अंदर क्या है, जो स्नेल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है उसे प्लांट यूज़ कर लेता है, तो बी और सी में तो कार्बन डाइऑक्साइड कम है। हमारी जो टेस्ट ट्यूब ए है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। इन टेस्ट ट्यूब ए स्नेल प्रोड्यूसेस मोर कार्बन डाइऑक्साइड, इन टेस्ट ट्यूब बी प्लांट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, इन टेस्ट ट्यूब सी स्नेल गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड बट ए पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड अप बाय द प्लांट, सो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज हाइएस्ट इन द टेस्ट ट्यूब ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस दिए हुए हैं चार आपको, उसमें से आपको एक छांटना है जो इसमें से करेक्ट लगता है आपको। फर्स्ट है ए पार्ट, इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू स्पाइरिकल्स। बी, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट इज 15 to 18। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब हवा बाहर निकलती है तो रिब्स अंदर की तरफ आ जाते हैं और नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो इसमें आ जाएगा रिब्स मूव डाउनवर्ड। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मैच द आइटम्स इन कॉलम वन विद दोज इन कॉलम सेकेंड।
यीस्ट प्रोड्यूसेस एल्कोहल, डायफ्राम इज प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी, स्किन से अर्थवर्म रेस्पिरेशन करता है और लीव्स स्टोमेटा के द्वारा रेस्पायर करती हैं। फिश गिल्स की, फिश की हेल्प कौन करता है रेस्पिरेशन में? गिल्स करते हैं। और फ्रॉग किसके द्वारा सांस लेता है? लंग्स और स्किन के द्वारा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। इसके अंदर इसके 5 पार्ट्स हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस फर्स्ट पार्ट। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ब्रीदिंग रेट ऑफ ए पर्सन स्लोज डाउन। ये इसमें गलत है, फॉल्स है ये। ब्रीदिंग रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सेकेंड है, प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे। तो प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होती है ओनली ड्यूरिंग द डे, ये तो बिल्कुल ठीक है यहाँ तक, लेकिन आगे वाला गलत है। रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। रेस्पिरेशन तो डे और नाइट प्लांट के अंदर दोनों टाइम होता है, तो आपका ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड, फ्रॉग ब्रीद थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स। ये आपका ट्रू है, क्योंकि इसमें स्किन से भी और लंग्स से भी फ्रॉग के अंदर दोनों चीज़ों से रेस्पिरेशन होता है। फोर्थ है, फिशेज हैव लंग्स। नो, फिशेज हैव नो लंग्स। फिशेज में गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, तो फॉल्स हो जाएगा। द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, अगर चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाएगा इनहेलेशन से, इनहेलेशन के दौरान तो हवा ज़्यादा से ज़्यादा उसके लंग्स के अंदर एंटर कर पाएगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 8, ये मैं आपको बुक में ही करा देती हूँ। गिवन बिलो इज ए स्केयर ऑफ लेटर्स इन विच आर हिडन डिफरेंट वर्ड्स रिलेटेड टू रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। एक स्केयर बना रखा है लेटर्स का, इसके अंदर डिफरेंट वर्ड्स हैं जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड हैं, वो इसके अंदर छिपे हुए हैं। दीज वर्ड्स में भी प्रेजेंट इन एनी डायरेक्शन, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, या ऐसे डायगनल्स में ऐसे इस तरह से हो सकते हैं। फाइंड द वर्ड्स फॉर योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्लूज अबाउट दोज वर्ड्स आर गिवन बिलो। तो हमें क्लूज दे रखे हैं, क्लूज के बिना तो हम इसको कर ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारा एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो एयर ट्यूब्स इंसेक्ट्स की कौन सी होती हैं? ट्रैकिया। तो ये आपका TRACHEA, लास्ट से सेकंड लाइन के अंदर है ट्रैकिया। सेकंड है स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द चेस्ट कैविटी हो जाएगा रिब्स, ये आपका फर्स्ट लाइन में है RIBS, थर्ड लेटर से शुरू होता है। मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी इज डायफ्राम, तो ये आपको थर्ड लाइन में 1, 2, 3 DIAPHRAGM, नीचे से ऊपर की तरफ है डायफ्राम थर्ड लाइन में। टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स हो जाएंगे आपके स्टोमेटा। तो स्टोमेटा हमें ढूंढने पड़ेंगे, कहाँ गुम हो गए स्टोमेटा, ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक है ये, यहाँ से बिल्कुल आखिरी लाइन से शुरू करना है, ये डायगनली है यहाँ पे STOMATA, स्टोमेटा। स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट आर स्पाइरिकल्स, तो स्पाइरिकल्स ढूंढेंगे अभी हम, ये हो जाएगा आपका स्पाइरिकल्स। S लास्ट से सेकेंड लाइन है SPIRACLES, स्पाइरिकल्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स है लंग्स, ये फर्स्ट लाइन में ही है बिल्कुल लास्ट में, लंग्स LUNGS। नेक्स्ट है द ओपनिंग्स थ्रू विच वी इनहेल नोस्ट्रिल्स, तो ये हो जाएगा आपका लास्ट से थर्ड लाइन में NOSTRILS, नोस्ट्रिल्स। नेक्स्ट है एन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इज ईस्ट, ये हो जाएगा YEAST। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम। जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वतों पे चढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि वे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है। तो इसकी जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू ए पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे कम होती है इसलिए वे ऑक्सीजन के सिलेंडर ग्राउंड से कम होती है, ऊपर जाते हुए एयर कम होती जाती है ऑक्सीजन,
इसी वजह से माउंटेनियर्स ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं अपने साथ। जीके का क्वेश्चन कराती हूँ आपको। व्हेन डज ए पर्सन नीड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन? कई बार आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जाता है किसी पेशेंट को, तो क्यों दिया जाता है? ऐसी पोजीशन में दिया जाता है जब वो नॉर्मली ब्रीद नहीं कर सकता, व्हेन इट इज़ नॉट एबल टू ब्रीद नॉर्मली। डज द पर्सन नीड टू बी केप्ट ऑन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन टेम्परेली और परमानेंटली? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन पे, वेंटिलेटर पे टेम्परेली रखते हैं, तब रखते हैं जब वो नॉर्मली ब्रीद नहीं कर सकता, लेकिन परमानेंटली भी रखा जाता है। उसके लिए सिचुएशन हो सकती है जैसे कोमा में है कोई पर्सन, तो उसको परमानेंटली आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन पे रखा जा सकता है। फ्रॉम वेयर देर कैन द पर्सन गेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन? तो वेंटिलेटर्स पे कोई भी पर्सन रखा जाता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए, तो इसके लिए वेंटिलेटर्स यूज़ होते हैं, इससे ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है। ब्रीदिंग रेट ऑफ चिल्ड्रन इज डिफरेंट देन दैट ऑफ एडल्ट्स। एडल्ट्स की जो ब्रीदिंग रेट है वो 15 to 18 होती है, लेकिन जो ब्रीदिंग रेट हो चिल्ड्रन की उनकी ज़्यादा होती है। ब्रीदिंग रेट जो छोटे बच्चे हैं उनकी 30 to 60 भी हो सकती है, थोड़े से बड़े होते हैं तो उनकी 30 to 40 हो सकती है। ठीक है, तो ब्रीदिंग रेट चिल्ड्रन की और एडल्ट्स की डिफरेंट होती है, क्योंकि जो चिल्ड्रन होते हैं मतलब छोटे बच्चे होते हैं, तो उनका जो साइज़ है लंग्स का या फिर चेस्ट कैविटी है, तो उनका साइज छोटा होने की वजह से उनकी जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है। ब्रीदिंग रेट ऑफ मेल्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फीमेल्स। ब्रीदिंग रेट जो मेल्स और फीमेल्स की है इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ये लगभग सेम ही होती है। फॉर अस ऑक्सीजन इज असेंशियल। हमारे लिए एक ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो इसको यूज़ नहीं करते, उनके लिए तो ये टॉक्सिक है, जहर है। कौन है वे? एनारोब्स। इनफैक्ट ह्यूमेंस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स इट मे बी डेंजरस टू ब्रीद प्योर ऑक्सीजन फॉर लॉन्ग। हम सांस लेते हैं हवा के अंदर, क्या वो प्योर होती है? वो प्योर नहीं होती, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, तो हम प्योर ऑक्सीजन में ज़्यादा टाइम तक ब्रीद नहीं कर सकते, ये हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होता है। तो आपकी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो गए हैं चैप्टर नंबर 10 के, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।